क्या आपको जंग लगी पुरानी चीजों को रिसाइकल करना पसंद है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवीनीकरण की एक बहुत ही मूल कला। हम एक पुरानी कार की हेडलाइट को घर के सुंदर लैंप में बदलेंगे। जैसा कि किसी भी नवीनीकरण कला में होता है, सबसे पहले उस चीज के पुर्जे अलग करने पड़ते हैं जिसे आप नया बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपको इसका हर एक पुर्जा अलग करना होगा। इतना सारा जंग और मिट्टी देखकर डर मत जाना, वादा करता हूं काम खत्म होने पर आपका लैंप एकदम नया लगेगा। हमारे कारीगर आपको नवीनीकरण की कई तकनीकें सिखाएंगे ताकि आप इसके अलावा और भी कई चीजों को नया बना पाएं। मिसाल के तौर पर जंग निकालने के लिए यह खास वैक्स, शर्त लगाता हूं आप इसे नहीं जानते होंगे। और अब इस जादुई स्प्रे की मदद से हम मेटल से बचा खुचा जंग भी निकाल देंगे। किसी जादुई कर्तव्य की तरह लग रहा है ना, बताइए। एक आम स्पैचुला की मदद से आप इसका जंग निकाल सकते हैं। आखिर में एक इलेक्ट्रिक मेटल ब्रिसल ब्रश की मदद से मेटल की सतह हो जाएगी चकाचक। अलग अलग पुर्जों को जोड़ने के लिए मेरी सलाह है कि आप भी कारीगर की तरह दो कंपोनेंट का गोंद इस्तेमाल कीजिए। सूखने के बाद आप उसे पॉलिश कर सकते हैं और वो किसी मेटल के हिस्से जैसा ही लगेगा। छोटी दरारों में भरने के लिए हम थोड़ी मेटल पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सारी सतह अब चिकनी और समतल दिख रही है। हिस्सों में फिर से जंग लगने से बचाने के लिए उन पर एंटी रस्ट स्प्रे लगाया जाता है। आपने देख ही लिया होगा कि जंग निकालना कितना मुश्किल होता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पर फिर जंग लगे। एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे के सूखने के बाद पुर्जों को अपने पसंदीदा रंग से रंग दीजिए। कारीगर ने जो कांसे का रंग चुना है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब सारे हिस्सों को जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो करने के लिए सबसे परफेक्ट चीज है सिलिकॉन। लैंप में तार लगाना भी बहुत आसान है, शर्त लगाता हूं कारीगर की मदद के बिना ही आप ये काम कर सकते हैं। लैंप को और सुंदर बनाने के लिए कारीगर ने लैंप के मेटल में स्विच लगाने का फैसला किया है। अब बस लैंप के दूसरे हिस्सों को बनाना है। सारे पुर्जों को ठीक से जोड़कर अंदर लगाए जाने वाले बल्ब को चुन लीजिए। ये लाइट कूल हो सकती है या वार्म या कोई और रंग की भी, मिसाल के तौर पर लाल। अब जब नवीनीकरण हो गया है, आप देख सकते हैं कि शेवी के हेडलाइट के मैकेनिक्स काफी बढ़िया थे, है ना। लैंप टॉप बन गया है। अब बस हमें एक बढ़िया सा लकड़ी का स्टैंड बनाना होगा। अब तक ये वीडियो एक नवीनीकरण वीडियो था, पर अब हम बनाने जा रहे हैं एक लकड़ी का स्टैंड। आप ये नहीं जानते होंगे कि कारीगर किस तरह की डिजाइन बना रहे हैं, पर फिक्र मत कीजिए, बस उनके जैसा करते जाइए और जल्दी ही आपको डिजाइन पता चल जाएगी। सोचिए कि एक पहेली है जो धीरे धीरे उजागर हो रही है। जब सारे टुकड़ों पर ड्रिल हो जाए, उन पर रंग की पहली परत चढ़ाइए। लकड़ी काटने में काफी मजा आता है ना। यह बहुत ही लचीली चीज है और सही औजारों की मदद से आप मॉडलिंग क्ले की तरह उसे आकार दे सकते हैं। जब सारे टुकड़े काट लिए जाते हैं, उन्हें पेंट करके सूखने दिया जाता है। अब वक्त है लकड़ी के ढांचे को जोड़ने का। अब आपको पता लग जाएगा कि कारीगर किस डिजाइन पर काम कर रहे थे।
नट्स को कस दीजिए। आप नहीं चाहते कि आपका कीमती लैंप गिरकर टूट जाए, है ना? पहले आपके पास थी कार की पुरानी सी हेडलाइट और अब आपके पास है एक शानदार लैंप। लकड़ी का स्टैंड भी काफी स्टाइलिश है ना? अगर आपको ये क्राफ्ट पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए।